वेलकम टू शिक्षा डॉट कॉम। इज आईआईटी हैदराबाद ऑन योर वॉच लिस्ट? इफ द आंसर इज नो, देन इट शुड बी। देर आर फाइव मेजर रीजंस फॉर इट्स राइजिंग प्रॉमिनेंस। सबसे पहले आईआईटी हैदराबाद की रैंकिंग। इट इज रैंक्ड 8th एज पर एनआईआरएफ एंड दैट टू इन जस्ट 10 इयर्स। इतने कम टाइम में इतनी अच्छी रैंकिंग इज अ ग्रेट अचीवमेंट गिवन द फैक्ट कि बाकी आईआईटीज आर एज ओल्ड एज 2 और 3 डेकेड्स। नेक्स्ट आते हैं प्लेसमेंट्स पे, और आईआईटी हैदराबाद की प्लेसमेंट्स आर वे बेटर देन अदर न्यू आईआईटीज। 2017 में हाईएस्ट पैकेज था 39 लाख, बट 2018 में दिस हाईएस्ट पैकेज वाज अ वूपिंग 1.2 करोड़। इससे एक बात तो क्लियर है, इन टर्म्स ऑफ सैलरीज आईआईटी हैदराबाद इज कमिंग अप वेरी स्ट्रॉन्गली। थर्ड, इट इज द ओनली आईआईटी दैट ऑफर्स अ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज यू कैन डू अ बीटेक डिग्री इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आप सोचोगे कि बाकी आईआईटीज ये ऑफर क्यों नहीं कर रहे हैं, सो वी विल टॉक अबाउट इट बट इन अ बिट। ऑल्सो आईआईटी हैदराबाद हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद अ जापानीज कंपनी एंड बिलीव मी गाइस, स्टूडेंट्स हैव रियली फील द बेनिफिट्स। हाउ, वी विल डिस्कस इट। Finally, it is the only IIT that offers fractal academics. अब ये fractal academics होता क्या है ये भी समझते हैं, लेकिन अभी सारे points को detail में देखते हैं। तो सबसे पहले let's see if we compare all BTech options in Hyderabad, is this really the best college to go to? Is this institute worth an investment of 9 lakhs? So इस chart को अगर हम देखें तो we can conclude a few things. JNTU has given the best growth in average salaries in the past 2 years for BTech. लेकिन देर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन मीडियन सैलरीज ऑफ एन IITH एंड JNTU, सो इस कॉलेज को तो हम अपने डिस्कशन से बाहर कर देते हैं। अब आती है बारी ट्रिपल IIT की। ट्रिपल IIT हैदराबाद कम्स सेकंड एंड IIT हैदराबाद कम्स थर्ड इन द मीडियन सैलरी ग्रोथ इन द पास्ट 2 इयर्स, एंड दिस इज ग्रेट गिवन द फैक्ट दैट दिस कॉलेज इज ओनली 10 इयर्स ओल्ड, वेयर एज द अदर टू कॉलेजेस हैव बीन फॉर अराउंड 2 डेकेड्स। नाउ लेट्स सेड IIT गुवाहाटी एंड IIT BHU, जो कि रैंकिंग में IIT हैदराबाद से कंपेरेबल हैं, एंड लेट्स सी हाउ देयर प्लेसमेंट नंबर्स आर स्टैक्ड अप। आल्सो द लिस्ट ऑफ डे वन कंपनीज कमिंग फॉर रिक्रूटमेंट्स इज वेरी इंप्रेसिव। अगर हम स्टूडेंट इनटेक या फिर बैच साइज की बात करते हैं तो बीटेक के लिए IIT गुवाहाटी का सीट इनटेक इज 690, IIT BHU में दिस इनटेक इज 815 एंड दैट ऑफ IITH इज 285। But if we look at the cutoffs, this year IITH ki cutoff for CSE has gone down to 616 as compared to 777. Ab iska kya matlab hai? Iska matlab ye hai ki brighter students are opting for IITH. Also, artificial intelligence ke liye the closing rank was 657. Incidentally, this cutoff is very close to that of IIT Guwahati and IIT BHU. And also look at the fact ki agar ranks are becoming more competitive, what does it indicate? It clearly indicates that IITH is growing as a choice destination for BTech students and it is being seen as a coveted option. Ab aate hain ek aur reason pe that makes this college popular. As we talked about earlier, IITH is the only institute jahan pe full-fledged degree in artificial intelligence mein offer hoti hai. Baki IITs mein artificial intelligence is offered either as a minor module ya fir sirf master's level pe. अब फुल फ्लेज्ड डिग्री के दो बेनिफिट्स होते हैं। वन, यू बिकम अ मास्टर इन दैट फील्ड। सेकंड, यू गेट जॉब्स दैट सूट योर एक्सपर्टीज। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट जापानीज कोलैबोरेशन अर्लियर। सो जापानीज कोलैबोरेशन एंड द क्वालिटी ऑफ फैकल्टी आर द क्लियर विंस फॉर दिस कॉलेज। अब समझते हैं ये कोलैबोरेशन है क्या और इससे फायदा क्या होता है। यू विल बी टॉट बाय जापानीज प्रोफेसर्स, सो आपको एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिलता है। चांसेस आर यू कुड एंड अप इन अ टॉप जापानीज यूनिवर्सिटी फॉर फर्दर रिसर्च, और a top Japanese industrialist can even mentor you, which will help you in making better connections. Nevertheless, you can also end up with a Japanese scholarship. So to summarize, hum ye keh sakte hain ki students are very happy about the kind of opportunities that this collaboration has brought up. In addition, the overall quality of the faculty is very good as per the reviews on Shiksha. Some more highlights that we drew from the reviews and the NIRF data state that the college currently has 197 full-time faculty and all of them are PhD qualified. Student faculty ratio is also quite good. It stands at 10:1. And another impressive factor that I found here was the college has an open door policy.
इसका मतलब है किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम या डाउट आता है, दे कैन वॉक इन टू द प्रोफेसर्स रूम एट एनी टाइम टू गेट देयर डाउट्स क्लियर, एंड इट्स रियली ग्रेट। अब आते हैं फ्रैक्टल एकेडमिक्स पे। अनलाइक द अदर IITs दैट फॉलो एन 8th सेमेस्टर सिस्टम, IITH हैज अ कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन सिस्टम। यहाँ पे एक सेमेस्टर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, जहाँ पे एक क्रेडिट इज इक्वल टू 1 सेगमेंट। यहाँ पे रेगुलर क्विजेज होती हैं, एंड इंस्टेड ऑफ 3 or 4 क्रेडिट कोर्सेज यू कैन गो फॉर 1 or 2 क्रेडिट कोर्सेज। अब इसका फायदा क्या होता है? देखो, इससे ये इंश्योर होता है कि स्टूडेंट्स गेट टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर रादर देन स्टडिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम, जैसे कि मोस्टली बच्चे सोचते हैं। ऑल्सो आपके ग्रेड सिर्फ एक एग्जाम पर डिपेंड नहीं करते हैं, यू कैन टेक अप प्रोजेक्ट्स, लिबरल आर्ट्स और क्रिएटिव आर्ट्स टू कम्प्लीट योर क्रेडिट्स। स्टूडेंट्स इस एकेडमिक सिस्टम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एंड यू कैन लुक एट द स्टूडेंट रिव्यूज इन शिक्षा टू क्रॉस चेक। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स ऑल्सो टच अपॉन व्हाट्स हैपनिंग विद द कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। सो IIT हैदराबाद का कैंपस इज स्प्रेड ओवर 570 एकर्स। यहाँ पे 3 एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं और 9 मोर आर बीइंग एडेड। लेट अस ऑल्सो सी व्हाट ऑल डू दे हैव ऑन द कैंपस। सो अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल फैसिलिटीज, द कैंपस हैज टेक्नोलॉजिकल इंक्यूबेटर्स, रिसर्च पार्क्स, और यहाँ पे काफी सारे रिसर्च कॉन्सेप्ट्स आर टेकन अप राइट फ्रॉम आइडिएशन टू प्रोटोटाइपिंग एंड फाइनली प्रोडक्ट और कमर्शलाइजेशन स्टेज। अब इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको एक। यहाँ पे अभी तक 14 कंपनीज इंक्यूबेट हुई हैं, एंड 3 ऑफ देम एम्प्लॉय नियरली 40 पीपल ईच। 2 कंपनीज इंक्यूबेटेड हियर हैव ऑल्सो रिसीव फंडिंग फ्रॉम मेलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन। 5 बिग ऑर्गेनाइजेशंस हैव ऑल्सो सेट अप देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स इन द रिसर्च पार्क। So, in case you happen to be thinking about IITH as a possible BTech destination, you are now in a better position to choose. So, stay tuned to the Shiksha's YouTube channel to know more about colleges, exams and admission updates. Agar aapko ye video achha laga hai, to like aur share karna na bhule. Also, do subscribe to our channel for more useful videos like this one. Thank you!